हेलो भाई, मैं वंकित। फाइनली बजाज वालों ने करके दिखलाई दिया भाई। मेरे को लग रहा था कि अरे ये झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं, सीएनजी बाइक नहीं लॉन्च करेंगे नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन भाई फाइनली बजाज वाले 5 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं इंडियन मार्केट में सीएनजी बाइक। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड की पहली बाइक होने वाली है वो सीएनजी में। आज तक किसी भी कंपनी ने सीएनजी लॉन्च नहीं करा है, खासकर बाइक सेगमेंट में। कार में तो सीएनजी मिलता ही मिलता है, आप सभी अच्छे जानते हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी के मन में होगा कि भाई इस गाड़ी का माइलेज वगैरह क्या होगा, प्राइजिंग क्या होगा, क्योंकि सीएनजी है, कहीं ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी ना। देखो, बजाज लॉन्च कर रहा है तो भाई बजट में ही लॉन्च करेगा। अभी हीरो होंडा लॉन्च करते तो थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन बजाज लॉन्च कर रहा है भाई तो बजट में ही होगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही वो भाई सीएनजी बाइक बनाए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग थोड़ी ना उस पे बैठेंगे। बाकी हाँ, रहा बात माइलेज का, तो भाई 1 किलो सीएनजी में मान के चलो 60-70-80 किलोमीटर चलेगी, उससे ज्यादा थोड़ी ना चलेगी भाई। जैसे सीएनजी का प्राइस शायद से 70 रुपए है, और पेट्रोल का आपसे भी अच्छे जानते हैं, हमारे यहाँ तो 110 रुपए का समथिंग चल रहा है, तो वही 30-40 रुपए का बचत होगा ना भाई। बाकी और कुछ तो खास अभी पता नहीं चला इस गाड़ी के बारे में, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि 5 तारीख को आप लोग रेडी रहना, क्योंकि भाई धमाल मचने वाला है। बजाज वालों ने मेरा दिल खुश कर दिया भाई ये पोस्टर दिखला के। इस बाइक को प्रॉपर लॉन्च करने के लिए नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो सोच लो कितना बड़ा चीज होने वाला है 5 तारीख को। बाकी हाँ, उसका नाम क्या होगा और वो किस बाइक पे बेच रहेगी, मतलब कौन सा उसमें इंजन यूज किया गया, इस सब के बारे में कुछ भी जानकारी अभी नहीं मिला है भाई। जो लोग आपको ये सब चीज़ बता रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, क्योंकि बजाज ने कुछ भी रिवील नहीं करा है। पिछले टाइम भाई NS 400 का फोटो वगैरह लीक हो गया था, बजाज वालों को बहुत ही लगा होगा, इसीलिए भाई इस बार इतना वो लोग सख्ती बरते हैं ना, गाड़ी का फोटो तक लीक नहीं हुआ है। हालांकि 1-2 फोटो लीक हुआ है, लेकिन वो भी सही है या फिर गलत है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है भाई। लेकिन हाँ, देखने वाइज गाड़ी रेट्रो जैसी ही लगेगी। एग्जॉस्ट सिस्टम थोड़ा बड़ा सा दे रखा है, हालांकि येलो थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। अब इंजन लेटा हुआ मिलेगा या फिर खड़ा मिलेगा इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से लेटा हुआ ही मिलेगा भाई, खड़ा देंगे तो फिर वो टैंक है जो सीएनजी वाला, उसको फिट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं भाई कैसे बजाज वालों ने डिजाइन करा है। अब तो भाई मतलब थोड़ा सोचने में भी अजीब सा लग रहा है कि बताओ सीएनजी का वो लोग टैंक गाड़ी में रखे हैं, तभी तो टैंक छोटा सा दिया ना, फ्यूल टैंक जो है बहुत ही छोटू सा है एकदम। सीट हालांकि बहुत ही बड़ा है भाई, मतलब 4 जने भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, इतना बड़ा इन्होंने सीट दिया है गाड़ी। हाँ थोड़ा सा अजीब लगेगी देखने में भाई रेगुलर बाइक से, लेकिन हाँ माइलेज और जिस मेंटेनेंस के साथ ये गाड़ी आएगी ना, आप डिजाइन को भूल ही जाओगे, कहोगे कि हमें बस यही लेना है। मैंने अपने पापा को बताया सीएनजी बाइक के बारे में, बजाज वाले लॉन्च कर रहे हैं, बजाज से तो उनको थोड़ा सा अब लगाव हो चुका। पहले ये नहीं बजाज को उतना समझते थे, क्योंकि सोचते थे कि बजाज का बड़ा कंपनी है, लेकिन प्लेटिना जब से मैंने लिया है और इतना दिन चल गई अच्छे से, तो अब थोड़ा उनको लगता है कि हाँ भाई बजाज में भी दम है। तो उनसे मैंने बोला कि ये लोग वर्ल्ड की सबसे पहले सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाले 5 तारीख को, इन्हें रील वगैरह भी कहीं पर देखा था, वो मेरे से ही बोल रहे थे, तो मैंने भी बताया उसके बारे में अच्छे से। तो फिर बोले कि अगर अच्छा निकला, देखने में अच्छा लगेगा, तो वो लिया जाएगा। तो चलो जी, यही कुछ अपडेट है इस गाड़ी के बारे में। अब कैसा है कैसा नहीं है वो तो मैं आपको 5 तारीख को भी वीडियो दूंगा शाम को। बाकी हाँ, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या सोच रहे हो इस बजाज की सीएनजी बाइक के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप क्या एक्साइटेड हो मेरी तरह, ये बताना जरूर भाई, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो जी, अपना राय देते जाना कमेंट सेक्शन में। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, वो दिल से जय हिंद सभी को।